So student, this is last topic of solid state, okay, and the topic is imperfections or defects in solids. Solids में कुछ एक imperfections भी होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना crystalline solid में perfect order होता है, वही बार बार repeat हो रहा होता है, but हो सकता है बीच बीच में कहीं कहीं defect भी हो, like जैसे यहाँ पे particle आना था but नहीं आया, okay, this type of defect can also be there, तो उनको हम क्या बोलते हैं defects. ओके, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इनपरफेक्शन और डिफेक्ट्स. दिस हैपेंस व्हेन क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस एट फास्ट और मॉडरेट रेट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डजंट गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्फ इन परफेक्ट ऑर्डर. ऐसा कब होता है जब आपके पास आप क्रिस्टलाइजेशन इतनी ज्यादा फास्ट करवा दो कि आपने पार्टिकल्स को प्रॉपर सेट होने का टाइम ही नहीं दिया. क्रिस्टल बनते टाइम आपने प्रॉपर सेट होने का टाइम नहीं दिया पार्टिकल्स को, तो बीच बीच में थोड़े से डिफेक्ट रह जाते हैं. ओके, और डिफेक्ट आने के रीजन एक तो ये हो सकता है, और भी रीजन क्या हो सकता है. डिफेक्ट में ऑल्सो अराइज ड्यू टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय क्रिस्टल फ्रॉम द सराउंडिंग और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल. ठीक है, डिफेक्ट जो है वो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से भी आ सकता है या किसी इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से भी आ सकता है. ओके, एंड हम डिफेक्ट्स को मेजरली टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ऐसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर अराउंड अ पॉइंट. ओके, मतलब इसमें क्या है, जहां पॉइंट पे पार्टिकल आना चाहिए था उस पॉइंट पे पार्टिकल नहीं आया. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द पॉइंट डिफेक्ट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन डिफेक्ट. लाइन का मतलब समझ रहे हो आप, कि मान लो एक लाइन में पूरे पार्टिकल ही गायब है जहां पे वो आने चाहिए थे. डेविएशन एग्जिस्ट इन द एंटायर रो ऑफ लेटिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द लाइन डिफेक्ट. बट हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है अब. ओके, इम्परफेक्शंस मॉडिफाई एंड समटाइम्स इम्पार्ट न्यू प्रॉपर्टीज टू दी सॉलिड्स. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इम्परफेक्शन से सॉलिड की प्रॉपर्टीज मॉडिफाई भी हो जाती हैं और कई बार तो सॉलिड्स में कुछ एक नई प्रॉपर्टीज आ भी जाती हैं. ओके, कैसे वो भी डिस्कस करेंगे. अब जैसे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, जैसे मैंने बोला पॉइंट डिफेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. नेम से इंडिकेट हो रहा है, स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर आपका मान लेते हैं फॉर्मूला, जो सॉलिड का फॉर्मूला एम एक्स जेड वाई बन रहा है, तो अगर उसमें डिफेक्ट होगा भी तो डिफेक्ट होने के बाद भी उसका फॉर्मूला यही रहेगा, स्टोकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, और अगर स्टोकियोमेट्री में चेंज आ जाए डिफेक्ट के कारण, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसको फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाएगा. और अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्योरिटी इफेक्ट. ओके, तो सबसे पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Means stoichiometry of solid is not disturbed. Stoichiometry is not going to disturb at all. These are also called as the intrinsic defects. इनको intrinsic defects भी बोला जाता है. मतलब जो खुद ही होते हैं solid में. इनको externally create नहीं करवाया जाता. Okay? और thermodynamic defects. They are also called as the thermodynamic effect defects or intrinsic defects. Okay? Next. डिफेक्ट शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स. ठीक, एक तो आयनिक सॉलिड्स के लिए तो हमने बात कर ली कि अगर आयनिक सॉलिड्स हैं तो उसके केस में क्या होगा. आयनिक सॉलिड्स के केस में आपके पास स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी. ओके, अगर नॉन आयनिक होगा तो उसमें भी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है. हाँ जी, हो सकता है. तो नॉन आयनिक सॉलिड्स के केस में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे होता है, जैसे वैकेंसी डिफेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट. व्हेन सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट and the crystal is said to have vacancy defect. Okay, जैसे मान लो यहाँ पे atom होना चाहिए था but यहाँ पे atom नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, these type of defects are called as the vacancy defects.
and this result in decrease in density. इससे क्या होगा? इससे सॉलिड में सॉलिड का मास कम हो जाएगा, क्योंकि जहां पे पार्टिकल आने चाहिए थे कुछ जगह से पार्टिकल मिसिंग है, उसकी वजह से सॉलिड का वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, बट मास कम हो जाएगा. एंड यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो अगर मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम रहा, तो उससे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स वैकेंसी डिफेक्ट लीड्स टू द डिक्रीज इन डेंसिटी. ओके. एंड द इंटरस्टीशियल डिफेक्ट किसको बोलते हैं? सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. ये कौन सा डिफेक्ट है? When some extra constituent particles are present in the interstitial sites, जो साइड्स खाली होनी चाहिए थी लॉजिकली, वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है इंटरस्टीशियल साइड्स पे. ओके. उस टाइम हम कहेंगे द क्रिस्टल इज सेट टू हैव इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. उस टाइम हम कहेंगे कि उसमें इंटरस्टीशियल डिफेक्ट है. एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेंसिटी. इंटरस्टीशियल इफेक्ट की वजह से मास बढ़ेगा, इस डिफेक्ट की वजह से मास बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ये इंक्रीज कर गया, ये तो सेम ही है. ओके. क्लियर. तो नॉन आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो ये दो तरह के स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं, और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ये अगले दो तरह के डिफेक्ट शो करते हैं. ओके. आयनिक सॉलिड्स शो दीज टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. फर्स्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट. ओके. तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो कौन से स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं? सबसे पहला डिफेक्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? If an ionic crystal of AB type, equal number of cations and anions are missing from the lattice sides. अगर equal number of cation and anion missing है, मतलब अगर एक cation missing है तो उसके corresponding एक anion भी missing है. Okay? अगर दो missing है तो दो anion भी missing है. Okay? Equal number of cations and anions are missing in the lattice, जिसकी वजह से उसकी electrical neutrality तो maintain रहेगी. ओके. न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही स्टोकियोमेट्रिक में फर्क में पड़ेगा कोई. ओके. सो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द स्कॉटकी डिफेक्ट. एंड दिस डिफेक्ट आल्सो रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी. इसकी वजह से भी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट ही है ना, वैकेंसीज क्रिएट हो रही है लैटिस साइड्स पे. ओके. टाइप्स ऑफ कंपाउंड शो स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट कौन कौन से कंपाउंड शो करवाते हैं? पहला, जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिसमें कटायन और अनायन का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो. ओके. और दूसरा, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन. अनायन और कटायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो. तो एग्जांपल कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं? NaCl, HCl, KBr, AgBr, AgCl. ओके. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाय द आयनिक सॉलिड्स व्हिच इज स्टोकियोमेट्रिक, दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट. ओके. व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट? इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल साइट. ठीक, मतलब वो अपनी लैटिस साइट से मिसिंग है बट इंटरस्टीशियल साइट पे आ गया, यहाँ पे नहीं बैठा है, यहाँ से इंटरस्टीशियल साइट में आ गया, वॉइड में आ गया. ओके. इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल साइट and electrical neutrality as well as the stoichiometry of the compound are maintained. This type of defect is called as the dislocation defect. इसको dislocation defect भी बोला जाता है. Frankel तो इसका name ही है, ठीक है, वैसे इसको dislocation defect भी बोलते हैं. और इसके केस में there will be no change in density. Okay, I think मैंने इसमें density वाला point cover किया. यहाँ दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ डेंसिटी. क्यों? क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में आपको आपने देखा ना, डेंसिटी मास डिक्रीज होता है, तो मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी. ओके. वॉल्यूम क्योंकि सेम रहता है, इसमें आपके पास डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मास ही चेंज नहीं होता. ओके. तो मास चेंज ना होने की वजह से जो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आपको देखेगा. नाउ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड शो फ्रेंकल डिफेक्ट. फर्स्ट, those having low coordination number, जिसमें cation और anion का low coordination number हो. Second, large difference in the size of cation and anion. cation और anion के size में ज़्यादा difference हो. Okay? कौन कौन से जो common आए दोनों में, है ना, जिन्होंने Frankel defect भी show करवाना होता है और Scott की भी. Example के तौर पे AgBr, जो AgBr है वो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट
करवा देता है और वो स्कॉट की डिफेक्ट भी शो करवा देता है. ओके, बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाय जीबीआर. ओके, तो ये था आपका फ्रेंकल डिफेक्ट. क्लियर? पेपर में फ्रेंकल और स्कॉट की बड़े बड़े बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, स्कॉट की एंड फ्रेंकल के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे लिख ही देते हैं. ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बड़ी बार पूछे जा चुके हैं ये बोर्ड में. चलो नेक्स्ट अब आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ठीक है, इसको बर्थ होलाइट्स भी कहते हैं. ओके, क्योंकि जो ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने इनकी स्टडी करी है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की, बर्थोलाइट्स. बर्थोलाइट्स, हाँ यही बन रहा है स्पेलिंग, बर्थोलाइट्स. ओके, इसमें क्या होगा, नेम ने वैसे इंडिकेट कर दिया, इसमें स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस बिकम डिफरेंट फ्रॉम द इंडिकेटेड फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला. जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है उससे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, मतलब उससे डिफरेंस हो जाएगा, कैटायन और एनायन की रेशियो में वो डिफरेंट हो जाएंगे. ओके, लाइक आपके पास है, इसमें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आगे आपके पास टाइप है कौन सी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इसमें दिख रहा है आपको जिसमें मेटल जो है वो एक्सेस में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ओके, ये मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकती है. पहला क्या है, बाय एनायन वैकेंसीज, कि जो एनायन है वही कम हो गया, मेटल नहीं बढ़ा बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनायन है वही कम हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, NaCl के क्रिस्टल में से, ठीक है, Na तो सेम रहे बट क्लोराइड ही निकल जाए बाहर, तो क्या होगा, तब भी मेटल एक्सेस में हो जाएगा ना एज कंपेरिजन टू एनायन. ये नॉन मेटल है, ये मेटल है. ओके, तो इसलिए अगर आपके एनायन वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी उससे भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होता है. ओके, व्हेन अ नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट लीविंग अ होल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन देयर बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल बैलेंस. देखो जब एनायन अपनी साइड छोड़ के जाएगा ना, वो वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा. इलेक्ट्रॉन इसलिए छोड़ जाएगा क्योंकि आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है उसको न्यूट्रल ही रखना है, उसने इसको ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनाना. ओके, इसलिए जब भी वो अपनी पोजीशन छोड़ के जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ जाएगा. ओके, इलेक्ट्रिकल बैलेंस के लिए. क्लियर? और जहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट डीएक्साइट होता रहता है बाय अब्सॉर्बिंग द लाइट, तो इसकी वजह से कलर भी इम्पार्ट हो जाता है सॉलिड को. ओके, इसीलिए ये वाली जो साइट जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है एनायन की वैकेंसी में, जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, इसको एफ सेंटर बोला जाता है. एफ स्टैंड फॉर फेब्रे, सॉरी फारबे, ठीक. क्यों? क्योंकि फारबे का मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब इसका कलर ही होता है. ओके, तो कलर इम्पार्ट करता है ये सॉलिड को. क्लियर? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पड़ा हो तो ऑब्वियस है उसके लेवल आगे बन जाते हैं ना, और जब लेवल बन जाएंगे तो आप एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी व्हाइट लाइट में से, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तब आपका जो सॉलिड है वो कलर्ड दिखेगा हमें. ओके, जब व्हाइट लाइट में से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल NaCl को जब आप Na वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हो तो होता क्या है, इसमें भी आपके पास एनायन वैकेंसीज हो जाती हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोराइड आयन की जगह ले लेते हैं और क्लोरीन वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका NaCl येलो कलर का पड़ जाता है. ओके, सिमिलरली लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होता है, उसको पिंक कलर मिल जाता है ड्यू टू एनायन वैकेंसीज. और KCl को पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होता है, वो वायलेट कलर का हो जाता है. ओके, सो दिस इज दी फर्स्ट टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच इज बाय एनायन वैकेंसीज. नेक्स्ट है आपके पास बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टीशियल साइट. ठीक, जैसे हमने मेटल एक्सेस में करना है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो. ठीक है, एक्स्ट्रा कैटायन भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक, तो बस वही सिस्टम है, जैसे एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टीशियल साइट में प्रेजेंट हो जाए. ठीक, तो एक्सेस मेटल आयंस इन द इंटरस्टीशियल साइट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. बट आपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन भी इसी
वैकेंट साइड में, किसी वैकेंट साइड में भेजने पड़ेंगे, ओके, सो दैट आपका जो ओवरऑल क्रिस्टल है दैट रिमेन न्यूट्रल, ओके. इलेक्ट्रॉन ऑल्सो प्रेजेंट इन दी अनदर इंटरस्टीशियल साइड. फॉर एग्जाम्पल, जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हो, देर इज प्रोडक्शन ऑफ Zn+2 आयन, ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है और साथ में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं. तो ये जो जिंक प्लस टू आयन है ये इंटरस्टीशियल साइट में ट्रैप हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेबरिंग इंटरस्टीशियल साइट में ट्रैप हो जाते हैं. ओके, क्लियर. आगे है आपके पास, क्रिस्टल्स विद ईदर टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंटेन सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस आर सेमीकंडक्टर इन नेचर. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो आपका मेटल ये वाला डिफेक्ट पड़े इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट पड़े, चाहे इस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट पड़े, इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो आपके सॉलिड्स हैं जिनमें ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं वो सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, दे विल बी सेमीकंडक्टर इन नेचर. ओके, जैसे हमने बोला था ना कि प्रॉपर्टीज पे थोड़ा बहुत तो इम्पेक्ट पड़ेगा, अगर वो चेंज उनमें आता है तो इस चेंज की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो प्रॉपर्टी पे पड़ता है, और ये उनमें से एक इम्पैक्ट है जो कि यूजफुल इम्पैक्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स कई जगह यूज होते हैं, हमारे मोबाइल्स के सर्किट्स में, लैपटॉप्स में, कई जगह सेमीकंडक्टर यूज होते हैं. ओके, क्लियर. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज डन. नाउ सेकेंड टाइप इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या है? व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, जब आपका मेटल जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करने के कैपेबल होता है, जैसे कॉपर जो है वो +1 भी बना सकता है, कॉपर +2 भी बना सकता है, आयरन जो है वो Fe+2 बना सकता है, Fe+3 बना सकता है, ऐसे वाले मेटल्स के केस में ये चीज भी हो जाती है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ऐसे मेटल्स के सॉलिड के बीच में. व्हेन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स, द डिफेक्ट यूजुअली अकर ड्यू टू द मिसिंग ऑफ अ कटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट and presence of the cation having higher charge in the adjacent lattice side. मतलब एक cation जो है वो अपनी lattice side से missing होगा, but दूसरा cation उसके ऊपर charge ज़्यादा हो चुका होगा, जो उसके charge को balance कर रहा होगा. Okay, that type of defect is called as the, इसमें metal deficiency create हो रही है, but electrical neutrality maintain रहेगी. Okay, example के तौर पे, जैसे example इसका मैं दे ही देता हूँ. For example, जैसे ये देखो, ये लिखा ही आगे figure में, यहाँ पे कटायन मिसिंग है, ठीक, यहाँ पे ए पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ से कटायन मिसिंग है, बट अगर यहाँ से कटायन मिसिंग है और कोई इलेक्ट्रॉन इंट्रैप नहीं हुआ, इट मींस ये तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, सॉरी ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर. बट ओवरऑल नेगेटिव नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कटायन है उसका चार्ज भी इसने होल्ड कर लिया, ये +1 नहीं है, इसके ऊपर +2 चार्ज है. तो इसलिए ऐसे ही मेटल्स, ऐसे ही मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा जिनका जो मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा सकता हो, सो दैट जो कटायन अपनी साइड से मिसिंग हो उसका चार्ज भी वो अकोमोडेट कर पाए, तभी ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. ओके, तो ये था आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. हालांकि ये बहुत रेयर होता है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ज्यादातर सॉलिड्स में देखा जाता है. ओके, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये है, और ये जो एफ सेंटर की डेफिनेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एफ सेंटर. ओके, चलो. एंड लास्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, क्लियर, आपको दिख ही रहा होगा इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो, क्या होता है, जब आप कोई फॉरेन एलिमेंट ऐड कर रहे हो जो उस क्रिस्टल में प्रेजेंट नहीं है, बट आपने अपनी तरफ से आपने उसमें फॉरेन एटम ऐड कर दिया. व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस साइट्स इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स और एट वैकेंट इंटरस्टीशियल साइट्स, देन दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, डॉपिंग, डॉपिंग किसको बोलते हैं, डॉपिंग मीन्स जैसे होता है ना डोप टेस्ट होता है खिलाड़ियों का, डोप टेस्ट में क्या होता है, उनकी बॉडी में देखते हैं कि कोई टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं है, कोई स्टीरॉयड वगैरह तो नहीं है जिसको लेके वो खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना बड़ा बड़ा है. ओके, क्लियर, उसको बोलते हैं डॉपिंग. तो इसमें डॉपिंग में क्या होता है, डॉपिंग का मतलब है कोई एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड करना बॉडी में या सॉलिड के क्रिस्टल में. ओके, the process of adding impurities to a crystal, crystalline substance, so as to change its properties is called as the doping. Okay, clear? उसके बाद introducing impurity defect in ionic solids. Ionic solids में कैसे आप impurity defect introduce कर सकते हो? जैसे if the
impurity ions are in a different valence state from that of the host ion, vacancies are created. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये जो स्ट्रॉन्शियम का एलिमेंट कटायन है, इसने Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस किया और ये इसकी वैलेंसी भी डिफरेंट है, तो इससे क्या हुआ, इससे वैकेंसीज क्रिएट होंगी. मतलब ये एक स्ट्रॉन्शियम जो है वो दो सोडियम की जगह खाली करेगा, जिस एक जगह जिस जो खाली करेगा उसकी जगह तो खुद बैठ जाएगा जाके, दूसरी जगह खाली की खाली ही रह जाएगी. ओके, तो ऐसे आयनिक सॉलिड्स में जो है वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, स्ट्रॉन्शियम प्लस टू आयन इंट्रोड्यूस्ड टू NaCl, टू Na पॉजिटिव आयन रिप्लेस्ड बाय वन स्ट्रॉन्शियम आयन. ओके, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये नेक्स्ट वाला आने वाला, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट इज इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स. कोवलेंट सॉलिड्स में भी आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट करते हो और ये बड़ी जगह यूज होता है. ओके, सेमी कंडक्टर का सारा कंसेप्ट यही है. ओके, क्लियर. सेमी कंडक्टर कौन कौन से हैं, सिलिकॉन है ना, जैसे ऐसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के ही ज्यादातर सेमी कंडक्टर हैं जितने भी आपके पास होते हैं. ओके, और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, तो इसलिए वो ऐसे नेटवर्क से बनाता है. ओके, क्लियर. इन केस ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम भी उसी के ग्रुप का मेंबर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं सेमीकंडक्टर्स, वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक, और अगर आपके पास सिलिकॉन है तो वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे चारों साइड से बॉन्डिंग करवाई रखी होती है उसने, आगे से आगे बॉन्ड बनते रहते हैं लाइक दिस. और जर्मेनियम के केस में भी सेम ही होता है, और उनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्डिंग बनाने में बिजी होते हैं. ओके, बट इफ यू ऐड इम्प्योरिटी, ओके, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे 3 हो, ओके, लाइक एल्यूमिनियम. ओके, और इलेक्ट्रॉन रिच, या जिसमें 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर दोगे. इम्प्योरिटीज एडेड मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच, दस डिफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आप उनमें क्रिएट कर दोगे. ओके, क्लियर. जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको विद फिगर. ओके, ये लास्ट टॉपिक है हमारा. जैसे आपके पास ये है एक परफेक्ट सिलिकॉन का क्रिस्टल है, बट आपने क्या किया, उसमें से कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस करके उसकी जगह आर्सेनिक रख दिया. जो आर्सेनिक है उसकी वैलेंसी 5 है, तो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो होगा क्या, सिलिकॉन की जब आप डोपिंग कर दोगे आर्सेनिक के साथ, तो एक वो अच्छा कंडक्टर बन जाएगा पहले के कंपैरिजन में, प्योर सिलिकॉन के कंपैरिजन में ये थोड़ा अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो जब इसके ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव करेंगे और वो कंडक्टर बन जाएंगे. तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये एक पहले भी सिलिकॉन, वैसे प्योर सिलिकॉन भी सेमी कंडक्टर होता है, बट बहुत ज्यादा लेस कंडक्टिंग होता है वो, तो थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर चाहिए होता है हमें. ठीक है, तो सिलिकॉन से डोपिंग करने पे क्या है, थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर बन जाता है वो. ओके, और ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, जिसमें नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाए बाय डोपिंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही एक्सेस में हो रहा है बाय डोपिंग. ठीक, तो इसको बोलेंगे एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर. ओके, और अगर आपने सिलिकॉन के कुछ एटम जो हैं उसकी जगह एल्यूमिनियम रखा होता, तो एल्यूमिनियम रखने से क्या होता है, एल्यूमिनियम रखने की जगह एल्यूमिनियम रखने पे क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएंगे. मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पे भी नहीं है, तो ऐसे एल्यूमिनियम की वजह से होल क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे. ये होल भी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं. अब आप बोलोगे यार होल कैसे कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन को तो समझ में आता है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा इतने इसमें कई सारे आर्सेनिक हो जाएं ऐसे तो इलेक्ट्रॉन वाले, तो ऑब्वियस है उनका तो समझ में आता है. ये होल कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है, उसका रीजन है ये होल है तो यहाँ पे खाली जगह है, उससे क्या होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, फिर ये होल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, होल इधर शिफ्ट हो जाएगा. इट मीन्स होल भी मूवमेंट कर सकता है, होल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है, या आप ऐसे बोल दो कि होल ही मूवमेंट करता है. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से भी कंडक्शन बढ़ जाएगी. तो आप चाहे सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से डोपिंग करो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से डोपिंग करो, उसकी कंडक्शन बढ़नी ही है. अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से डोपिंग करके उसको अच्छा सेमीकंडक्टर बना रहे हो, उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. और अगर आप उसमें
क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है उसकी वजह से होल बढ़ेंगे, और हम मान के चलते हैं कि होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव ही हो गए एक तरह से, क्योंकि वो लेस नेगेटिव बना रहे हैं आपके एलिमेंट को। तो ऐसे आपको, ऐसे जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। ओके, तो बस ये है, खत्म बात, दैट्स इट, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म, ओवर।